सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि हमारी हर वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान की गंगा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं वो वीडियो है सपने से रिलेटेड, कि हम जो सपने देखते हैं, जो ड्रीम्स आते हैं हमें रात में सोने वक्त या दिन में सोते वक्त, उस सपनों का क्या महत्व है और सपनों में कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं तो उसका क्या अर्थ होता है, उसका क्या मतलब होता है, इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग यह वीडियो पूरा देखिएगा। और जिसको लेकर यह वीडियो बनाई जा रही है वह है, सपनों में अगर यदि आप सांप को देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या अर्थ होता है, इस पूरी वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को इसको बिल्कुल मत कीजिए। जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तुरंत हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो हम सर्व होते हैं उनको हम अपने सपने में अलग अलग रूपों में देखते हैं। वेद पुराणों में भी इनकी चर्चा की गई है। पुरातन समय से ये हमारे जीवन में मौजूद हैं और इनकी हमेशा से चर्चा हुई है। आइए जानते हैं कि सांप हमारे जीवन में किस तरह से महत्व रखते हैं और हमें सपने किस तरह के आते हैं। तो पहला, यदि हम सांप को पकड़ते हुए देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि धन संपत्ति मिलने वाली है। आपको किसी भी रूप में धन संपत्ति मिल सकती है और आपके आय में वृद्धि होगी। सपने में सांप को मारना, दुश्मनों पर आप विजय हासिल करेंगे, इसका मतलब यही होता है, या मुश्किल घड़ी में आपको लड़ने की शक्ति भगवान प्रदान करेगा। सपने में यदि आप देखते हैं कि आपको सांप काट लिया है या सपने में आप सांप को काटना देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं या कोई बड़ी मुसीबत आपके सामने आने वाली है। सपने में बहुत सारे सांपों को एक साथ देखना, इसका मतलब ये होता है कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होंगे। यदि आप सपने में शेषनाग को देखते हैं यानी कई मुंह वाले सांप को देखते हैं तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आपने कुछ मन्नत मांगी थी और अभी तक वह अधूरी है और आपने अभी तक उसे पूरा नहीं किया है। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों की कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मन्नत मांगते हैं कि मेरा ये हो जाए भगवान, तो मैं आपके लिए ये करूँगा, लड्डू प्रसाद ये चढ़ाऊँगा या आपके लिए बहुत सारे काम करूँगा। तो दोस्तों, मन्नत पूरी होने के बाद अक्सर लोग भूल जाते हैं और वो मन्नत 1 साल 2 साल 6 महीने बाद वो पूरा करते हैं, अपना माना हुआ वादा, अपना किया हुआ वादा वो भूल जाते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि यदि जो आपका मन्नत पूरा होता है तो आप मात्र 1 हफ्ते के अंदर उस चीज़ को पूरा कर दीजिए और अच्छी विधि से पूरा कीजिए, क्योंकि दोस्तों इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है और इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा नुकसान क्या क्या होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही कहूँगा कि आपने जो भी मन्नत मांगी है और आपने जो भी वादा किया है तुरंत आप उसे पूरा कर दीजिए। अगली बात करते हैं कि यदि आप सपने में देखते हैं कि आपको सांप काटा है और आपका ब्लड निकल रहा है तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत का संकेत है और इसका सीधा मतलब होता है कि आपके जो रिलेटिव है उसमें किसी ना किसी की मौत होने वाली है, चाहे वह किसी भी तरह से हो, चाहे वो नेचुरल हो या जो भी हो, लेकिन पक्का है किसी ना किसी की डेथ होगी। तो यह एक बहुत दुखद घटना है। हालांकि ऐसा सपनों में बहुत कम लोगों को आता है, लेकिन अगर आता है तो इसका सीधा मतलब यही होता है। दोस्तों, बस यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप सपने में कभी भी कोई भी सपना हो, चाहे सांप से रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन यदि आप सपने में यदि आप खून देखते हैं ना, तो इसका सीधा मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार होने वाले हैं, आपके परिवार आपके रिलेटिव में कोई ना कोई मरने वाला है, इसका सीधा संकेत यही होता है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आप लोगों का जो जीवन है वह हमेशा सुखी रहे और किसी के साथ इस तरह की घटनाएं ना हो। आई होप मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए आपको सांपों से रिलेटेड और किस चीज़ की जानकारी चाहिए और आपको किस तरह के सपने आते हैं, या किसी भी सपने में आप किस जानवर का तस्वीर देखते हैं उसके बारे में यदि आप हमसे जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हमारे
इंस्टाग्राम चैनल पे भी हमारा चैनल आ चुका है इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री कृष्णा।